रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने लगी हूँ वो है इंश्योर मिल्क, और ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। इसमें तीन फ्लेवर्स आते हैं, वनीला और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। तो मैंने इसके तीनों फ्लेवर्स ट्राई किए हैं, बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो लगा है वो ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इसका। ये इंश्योर मिल्क जो है ना, ये एक कंप्लीट सप्लीमेंट है, ठीक है। यानी कि जिन लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता लेकिन उनको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप मिल्क पिए, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको अक्सर सजेस्ट किया जाता है कि आप दूध पिए, लेकिन उनसे दूध नहीं पिया जा रहा होता, तो ये फ्लेवर्ड मिल्क बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई करें। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि अपनी जो डॉक्टर है आपकी, उससे उसके मशवरे के साथ आप यूज़ करें। इसमें हाई ओमेगा 3 होता है, जो कि आपको पता है हमारी स्किन, हमारे बालों, हमारी होल बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो ये एक कंप्लीट सोर्स है जिसमें तमाम विटामिन्स हैं। ये देखिए, ये पूरी जो लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इसमें ये तमाम विटामिन्स शामिल हैं, और ये इसके अंदर सब कुछ आपको उर्दू में लिखा हुआ है, जिसमें आप इसकी डिटेल्स, इसकी बताया हुआ है इंग्रेडिएंट्स और इसको बनाने का तरीका बताया हुआ है, सब कुछ इसके अंदर गिवन है। तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। इसकी जो प्राइस है, मैंने इसको बाय किया था, यहाँ पे इसकी प्राइस मेंशन है 1651 1600 का। तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इसका रेट है, आप इसको ले सकते हैं। आप इसको कोई भी फ्लेवर आप इसका यूज़ करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये पीने में भी बहुत डिलीशियस है। इसके बनाने का तरीका ये है कि आप इसको एक ग्लास में, वैसे जिसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि एक ग्लास में 6 इसके अंदर जो स्कूप्स हैं वो डलते हैं। देखिए, इतना इसको यूज़ मैं कर चुकी हूँ, तो ये इसके स्कूप, ये देखें इसमें लिखे हैं, ये जो है ना इसके ऊपर लिखे हैं 6 इस तरह के डाले हैं ग्लास में। लेकिन अगर आप एक ग्लास में ये 3 डाल लेते हैं तो इनफ है, और बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही मज़े का उसके जो आपको विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको पिए और इंशाल्लाह आपके जो कमी है जिस्म में जिन विटामिन वगैरह की, वो पीने से पूरी जाती है। अच्छा, उसके बाद एक और बात है कि क्या ये जो फीड करवा रही होती हैं मदर्स, उन वो पी सकती हैं? मैंने ये इसलिए लिया था कि क्योंकि बेबी को फीड करवाना था, तो मैंने अपनी जो डॉक्टर से उससे पूछा था तो कि कोई ऐसा सप्लीमेंट मुझे आप सजेस्ट करें, तो डॉक्टर ने मुझे इसका कहा था इंश्योर सप्लीमेंट इज़ द बेस्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। तो लेकिन इसका तरीका, इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो है ना मिल्क, ये अगर आप लोगों का वेट कम है ना, जिन लोगों का वज़न कम है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। जो अक्सर हमारी बहनें, हमारे भाई ऐसे होते हैं जिनका जो खाते पीते भी सही है लेकिन उनका वेट नहीं गेन हो रहा था, तो इसके रोज़ाना इस्तेमाल से उनका वेट गेन होगा, लेकिन इस सूरत में कि वो रात को पिए, ठीक है। रात को पीने से क्या होता है कि वेट इंक्रीज़ करने में मदद करता है, लेकिन जैसे मुझे चाहिए था तो मुझे अपना वेट गेन नहीं करना था, जस्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तो मैं इसको दिन में ले रही हूँ, दोपहर के टाइम, मॉर्निंग में, नाश्ते के 2-3 घंटे बाद, इस तरह करके आप इसको लें, क्योंकि अगर आप इसको रात में लेंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए वैसे मैं बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बिफ़ोर मैरिज भी मैं इसको यूज़ करती थी, तब वेट गेन के लिए ही ये लिया था, तो बहुत अच्छा था। और इसमें जो विटामिन्स वगैरह हैं वो आप ये जब पियेंगे ना, तो आपको आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो नज़र आएगा, बहुत आप चेंज आपको अपनी स्किन में नज़र आएगा, आप एकदम से आप एक्टिव फील करेंगे, आपको जो बोन्स का पेन हो रहा होता है और आप बहुत ज़्यादा ऐसे सुस्ती उसी फील कर रहे होते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आप एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। फ्रिज में नहीं रखना है इसको, आपने जब भी रखना है तो आपने इसको ठंडी और खुश्क जगह पे रखना है, फ्रिज में बिल्कुल मत रखिएगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई करें, इसको यूज़ करें और फिर मुझे बताएं कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।